ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, और मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महामहिम महोदय ने 13 नवंबर को यहां पर अपना अभिभाषण दिया, मैं उसका पैरा नंबर 8 पढ़ता हूं। वर्ष 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों का विश्वास का चुनाव रहा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग, अंत्योदय उत्थान का जो मिशन चलाया है, वह उसकी उस पर समर्थन की मोहर है, और यह जनादेश हरियाणा को विकसित बनाने के लिए नॉन स्टॉप चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो ये मैंडेट मिला है ना जी, ये मैंडेट एक मैनेज एंड स्नैच मैंडेट है, और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में, कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए इनको। देखिए, और बत्रा जी आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। एक मिनट में अपनी मंत्री जी, एक मिनट आप बैठिए। मैडम आप ही एक मिनट बैठिए। कृष्णा जी एक मिनट बैठिए। क्या मैंने अनपार्लियामेंट्री कह दिया जी? क्या मैंने गलत कह दिया? बोलो, आप अपना जवाब दे देना। आप जवाब दे देना, कमाल करते हो। बत्रा जी, आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे देना। बत्रा जी एक मिनट, देखिए, चलो देखिए देखिए ईवीएम का मतलब है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, और ये दो तीन बार बात आ गई है। प्लीज इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए, आगे तो बोलने दो, इसमें ध्यान रखिए। एक एक सारी जितने भी मतदाता हैं, उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना, कि ये भी ठीक नहीं है। आपको 60% पढ़ दूंगा, आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है, और कांग्रेस को जो मिला है, इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? किस बात के नंबर बना रहे हो आप लोग? देखिए, अगर उनकी बात में कोई ऐसा शब्द है जो कि पार्लियामेंट्री नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं सर। वो जो बात कह रहे हैं वो बात सुनिए, सभी सुनिए। एक ऑब्जेक्शनेबल चीज मैंने पॉइंट आउट की है। अच्छा, और कांग्रेस को रनिंग कमेंट्री नहीं, कांग्रेस को नो रनिंग, मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस को 39.3% वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। आप ये पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप ये मैंडेट की जो बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जिस दिन चुनाव की गिनती हुई उस दिन वो भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं वो वर्ल्ड कोर्ट की बात के लिए कि कहाँ से भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेजोरिटी हमारी आएगी, हम जीतेंगे, ईवीएम पे दोष मत देना। ये कहाँ से ईवीएम आ गया उसे? ये कहा मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं जो मैं कह रहा हूँ, तथ्य कह रहा हूँ उसमें। आप उसमें वो मत कीजिए। और मैं पूरे सम्मान के साथ, स्पीकर सर आप बीच में क्यों टोकेंगे? आप जब आप मंत्री जी रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो, आप किसी बातों को आप बोलने जी, आप अपनी बात के लिए कोई तरीका थोड़ा है। बत्रा जी आप अपनी बात, हाँ जी ठीक है, आप अपनी बात सर, मैं कोई बात नहीं देंगे, कई बार कह लिया ये, कोई बात बत्रा जी आप अपनी बात इसके ऐसे सर, मैं आपकी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि ये चुनाव जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है, और पैसे के बल पे चुनाव जीता गया ये, और उसके बाद जनता ने ईवीएम पर सवाल उठाए। आप जो अनपढ़ क्या है,
इनको 5 साल इन्होंने यही नुक्ता चीनी कुछ नहीं करना। 5 साल ईवीएम पर दोष देना है। एक मिनट, कोई हक ही नहीं है। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में। ये 5 साल चूचू करते रहे रोहतक के, भाई चुनाव कैसे जीत गया सुन तो लो। 5 साल चूचू करते रहे तो ये आप ये देखेंगे। एक सदन चलाना कि नहीं चलाना तो इनकी बिना बात की बातें सुनकर हम फिर सदन चलाना जितने हमारी जिम्मेवारी है। सदन तो चलेगा। नहीं नहीं सदन चलेगा आपके भी मंत्री जी। गलत बोलेंगे तो विरोध करेंगे। नहीं नहीं मंत्री जी बोलेंगे तो विरोध करेंगे। मंत्री जी आप देखिए सदन बजे की बात नहीं। देखिए सदन आप देखिए मेरी बात। एक मंत्री जी एक मिनट मंत्री जी आपस में बात नहीं करेंगे। आपस में बात नहीं करेंगे। मंत्री जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। मंत्री जी सदन वहां से भी नहीं चलेगा। सदन वहां से भी नहीं चलेगा मगर सदन चलेगा तरीके से चलेगा। ऐसे ऐसे देखिए ये इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा। और ये सभी मेंबर्स को ये समझना पड़ेगा। कुलदीप जी ये बीच बीच में नहीं होगा। दोनों तरफ से ये नहीं होगा। बीच बीच में आप बैठ जाइए अभी। कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होगा। गीता जी कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये एंडलेस है। इसका कुछ ये नहीं। आप प्लीज बैठिए। और जो भी भाषा का इस्तेमाल करें मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं होता कोई कुछ भी बोलेगा फिर रिएक्शन होता है। ऐसे नहीं होता। भद्रा जी आप अपनी बात कीजिए। आप सीनियर मेंबर है और 8 मिनट 10 मिनट के अंदर आप पार्टी टाइम पार्टी टाइम भी है। दस मिनट के नहीं है। तो आप कौन से मेंबर्स नहीं बोलेंगे वो भी कोई बात नहीं तय हो जाएगा। 15-10 मिनट तो आपने ठीक करवा दी। आप अपनी बात रखिए। बीच में कोई नहीं बोलेगा। वाइटल इशू है। मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं करते कर रेलिवेंट बात कह रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके रिएक्शन सारे वर्ल्ड के अंदर ठीक है। 120 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव होता मैं ये सदन के सामने कहना चाहता हूँ। यही है इस बात के लिए। ये इसमें है उसमें उतराज कर सकते हैं इस बात के लिए। हम क्या गलत थोड़ा कह रहे हैं जी कुछ इसमें बात थोड़ा कुछ इसमें। और ये भी कहूँगा साथ में कि जैसे पार्लियामेंट में कहा गया या कुछ है मैं विद ऑल कन्विक्शन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एटीट्यूड छुट्टियां याद नहीं आती। जब डेटे अनाउंस करते हैं तब इलेक्शन कमीशन सोया होता है उस समय में। और आज जब बाद में अपील आती है 1 तारीख को चुनाव होना था 5 तारीख को आपने चुनाव कर दिया और वो जो 15 दिन का पीरियड था किस कैपेसिटी में पीरियड बढ़ा दिया। वो इलेक्शन कमीशन वही जो सरकार कहे वही इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर ठीक लोग कहते हैं कि जैसे सीबीआई पिंजरे का तोता थी इलेक्शन कमीशन पिंजरे का तोता है। इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा है। नेक्स्ट में रेलिवेंट बात पे आ रहा हूँ। और नेक्स्ट उसके बाद अगेन मैं प्रेसिडेंट एड्रेस जो है गवर्नर एड्रेस का पैरा नंबर 11 पढ़ूंगा सर। मेरी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल पंथ पर चलते हुए प्रदेश में हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर प्राप्त किए हैं। उन्होंने गरीब युवा महिला व किसान को विकसित भारत के 4 स्तंभ माना है। मैं आज सिर्फ गरीब की बात करूंगा इसके अंदर क्योंकि और बातें करूंगा इतना समय आप नहीं दे रहे। इधर उसमें करनी है। इस सरकार ने फ्री राशन बांटकर इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं अपने हक में किया।
टोटल हमारे प्रांत की पॉपुलेशन है 2,08,00,000, जहां पर 1,98,19 करोड़ पीपल को बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। कैसा प्रदेश है, किस प्रदेश की आप इतनी बढ़ावना करते हैं, किस प्रदेश की बात है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा यहाँ पर है, हमारा वहां पर है, या इतने पैसे खर्च हुए, इतना बजट हो गया या कुछ है? 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, इस बात के लिए चिंतन करना होगा। मैं कोई शब्द बोलूंगा फिर सारे खड़े हो जाएंगे उस बात के लिए कि इस बात के लिए कि इतना 70% पॉपुलेशन क्या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हरियाणा के अंदर रहती है, और आप कहते हो कि भारत सरकार की जीएसडीपी से हमारी जीडीपी से हमारी जीएसडीपी उससे ज़्यादा है। जिस प्रदेश की स्पीकर सर जीएसपी 8% हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की 7% हो, और उस प्रदेश के अंदर 70% आदमी गरीबी रेखा के नीचे हो, जो प्रदेश में कहता हो अपने बजट के अंदर कि पर कैपिटा इनकम 3,25,759 रुपया, बट उसकी बात का आप करते हो उस बात के लिए, इस सरकार को मैं एक निकम्मी सरकार नहीं कहूंगा तो कौन सी सरकार कहूंगा? कहां पर पैसे वो चले गए? ये कुछ है, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, आप ज्यादा बोलने की हमेशा कोशिश मत कीजिए। उसके बाद सर एक वर्ड होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। स्पीकर सर कमी सरकार का डिलीट कराओ। दूसरा स्पीकर सर चलो एक मिनट आपके अनुमति से सरकार है सरकार बहुत बढ़िया है, वापिस लेता हूँ सरकार बहुत बढ़िया है। देखिए सीनियर लोग ही ध्यान नहीं कर रहे हैं, नए मेंबर्स क्या क्या सीखेंगे थोड़ा ध्यान से। इधर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जैसे बत्राजन कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को फ्री अनाज देकर के आऊंगा, उसमें आऊंगा, उसमें आऊंगा, ये याद रखिए। देश में कोरोना काल आया, जब देश में कोरोना काल आया प्रधानमंत्री कोरोना काल से 80 करोड़ लोगों को स्पीकर सर 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया था, और अगले 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया था। इस बात की सराहना करनी चाहिए। चलिए चलिए जी, आप ऐसे है कि सस्टेनेबल ग्रोथ दो टर्म है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उस बात के लिए। एक होता है गरीबी को हटाना और एक होता है जो भूखा है उसका पेट भरना। ये सरकार पेट भरने पे पैसा खर्च करती है, ये सरकार गरीबी हटाने पे पैसा नहीं खर्च करती। पिछले बजट के अंदर गरीब को खाना खिलाने के लिए या राशन बांटने के लिए बजट का 28% खर्च किया और गरीबी हटाने के लिए 14% खर्च किया। इसी बात के लिए कि फ्री राशन देते रहो, फ्री राशन पे लोगों को मदद करते रहो, उनकी गरीबी दूर मत करो, इस बात के लिए दलित की गरीबी मत मत करो और औरों की गरीबी मत दूर करो इस बात के लिए, और रोजगार देने की कोई बात नहीं करता ये बात के लिए। जिस प्रदेश में 67,000 करोड़ जो कर्जा लेते हो और उसमें 60,000 रुपए का आप अपने कर्जे और कैपिटल का भुगतान करते हो, ये स्टेट की एक फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी। आप डेवलपमेंट की बात जहाँ तक करते हैं उसके बाद की बातें हैं। बीपीएल बेनिफिशरी से प्रजातंत्र को एक बहुत बड़ा, ये जो आपकी 70% आई है ये अच्छा नहीं है प्रजातंत्र, और ये फिगर्स जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये आपकी परिवार पहचान पत्र के अंदर रूल्स बने हुए हैं, उसमें सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये परिवार पहचान पत्र बनाया जाता है सर। और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन में बराबर की 46 और 48 सीटों का आपस में फर्क हुआ उसके बाद, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर हम बीपीएल कार्ड बनाएंगे। कहाँ लिखा है
कौन से कानून के अंदर लिखा है सेल्फ नोटिसेशन के अंदर, किसने ये ऑर्डर किए, किसने ये लीगल ऑर्डर किए, सरकार इसका जवाब दे, मेरे बोलने के बाद जवाब दे दीजिए सरकार। उसके बाद सर अब मैं आता हूं सेक्शन 3 ऑफ द परिवार पहचान, हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021। एवरी फैमिली बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ स्टेट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए परिवार पहचान नंबर बाय प्रोवाइडिंग सबमिटिंग अपडेटिंग ऑफ द डेजिग्नेटेड पोर्टल इंफॉर्मेशन कंप्राइज ऑफ सच डाटा फील्ड मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द फॉर आर द प्रोविजन ऑफ द एनी स्कीम सर्विस सब्सिडी आर बेनिफिट। ये वो सेक्शन 3 के अंदर दे दिया इन्होंने। और सेक्शन 3 के बाद After receipt of the information under Section 3, the authority shall verify each data field of the information through physical means. ये कहाँ से एक आपने declaration कर दी कि self declaration कहाँ से कर दी, क्या एक इस एक्ट की ध्वजियाँ उड़ा दी, जो मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके अंदर उन्होंने एक प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया था जिसको वो गर्व करते थे कि मैंने यहाँ पर परिवार पहचान पत्र मैं लेके आया हूँ। उसके बाद क्या है सर, फिजिकल मीन सच बैनर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी आर थ्रू इलेक्ट्रिक मीन्स बाय इंटेग्रेशन और कंपैरिजन विद द डाटा हेल्ड बाय आर ऑन बिहाफ द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी और लोकल अथॉरिटी इन द केस। उसके बाद सर क्लॉज 2 है ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द ईच डाटा फील्ड अंडर सेक्शन 1 अथॉरिटी शैल टैग द परिवार पहचान पत्र डाटाबेस जो इसके लिए वेरीफाइड है या कहां पे। ये 44% की इंक्रीज आपने बेनिफिशरीज की कर दी। और उसके बाद उन जिलों के नाम भी पढ़ दूंगा, फिर आप कहेंगे कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं या कुछ है। 15 मिनट आपका है, आप उसमें नहीं कोई बात नहीं, मैं उसमें उसी में आ रहा हूँ। अच्छा लास्ट 2 साल के अंदर ये फिगर कहाँ से आई, ये कैसे आई, किसने 75 लाख बीपीएल कार्ड ऐड किए, किसकी ये साजिश थी, किस सरकार की साजिश थी, मैं इस सदन के अंदर डिमांड करता हूँ इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर सीबीआई इंक्वायरी। मैं किसी बेनिफिशियरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक सिस्टम जो कानून आप लोगों ने बनाया है, ये कानून इसी विधानसभा के अंदर पास हुआ, और जो बेनिफिशियरीज की आप बात करते हैं इस बात कर रहे हैं आपने, मैं इस विदाउट कनेक्शन आदि बाद में कह रहा हूं, आपको इस बात के लिए तकलीफ की होगी, अनाज के दे के वोट खरीदे गए हैं आपने, इसलिए 75,000 रुपये बनाए हैं इस बात के। ये सरकार इस बात का जवाब दीजिए कि 75,000 कहाँ से, इस बार 75 लाख। हाँ जी अपमान नहीं कर रहा मैं, अपमान नहीं कर रहा। चलिए कंक्लूड कीजिए डॉक्टर, आप कंक्लूड कीजिए। कोविड के एक महामारी में पूरे विश्व में भुखमरी थी, प्रधानमंत्री जी ने संभाला सारा काम। आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं, आप मेरे यज्ञ तो बढ़ो। अब बेदी जी खड़े हो गए, जोन से बिजली फ्री बांटा उन्होंने समझौता करा, लोकसभा वोट मांगा उन्होंने जफियां पावा, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, कुछ तो सोच लो, बोल रहे हो यार, सुनने की पेशेंस होनी चाहिए यार, मंत्री वहां पे जाकर उनसे तो यार ने करते हो, पूरा देश में समझौता करते हो आप, कमाल है। चलो बत्रा जी को बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं, जनता देखती है, सुनो सबकी बात, सब आपस में एक दूसरे की सुनो। बत्रा जी आप आपकी पार्टी के मेंबर बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के मेंबर बोल रहे हैं, उनको कंक्लूड कर लीजिए। चलो उनको कंक्लूड कर, आप उनको कंक्लूड कर लें तो प्लीज कंक्लूड कर लीजिए। बत्रा जी ने जो बात उठाई है कि किस प्रकार से
75 लाख बेनिफिशरी बढ़े हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, किन के बड़े हैं, आखिर वो परिवार पहचान पत्र के पास वही बात आपके मेंबर बोल रहे हैं या नहीं जी? वही बात सरकार करने की कोशिश कराएंगे। ठीक है, अब पैनल पैनल मत बोलो, आप बता जी आपने कंक्लूड कर लिया अपना, आप कहो, आप कंक्लूड कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हो जी। अरे फिर इंक्वायरी आप पार्टी के भी प्लीज प्लीज आप अरोड़ा जी आप बैठिए प्लीज अरोड़ा जी आप बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं, सीनियर लोगों से ये एक्सपेक्टेड भाई वाच दो मिनट से जाए। सॉरी टू से मिनिस्टर हैज गिवन द स्टेटमेंट, मिनिस्टर हैज गिवन द स्टेटमेंट, ही एक्सप्रेस के मेरे को नॉलेज नहीं है इस बात के लिए, पर मिनिस्टर को तो कम से कम पता होना चाहिए कि 75 लाख बेनिफिशरी राशन कहां से मिल रहा है, कब से मिल रहा है। और आपने पार्लियामेंट चुनाव के बाद डिक्लेयर कर दिया इस बात के लिए। और आखिरी बात, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर आपकी इजाजत से, आपने मुझे पैरा नंबर 13 है कि एक दशक पहले के हरियाणा और आज के हरियाणा के दर्पण में कितना साफ है। क्या एक दशक से पहले हरियाणा कुछ नहीं था क्या? आप लोग हरियाणा में रहते नहीं थे क्या? हरियाणा में फैसिलिटीज नहीं थी क्या? हरियाणा में सड़कें नहीं थी क्या? हरियाणा में पावर नहीं थी क्या? हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी क्या? हरियाणा में उच्च अधिकारी पर ऑफिसर्स नहीं थी क्या? नहीं था हरियाणा के अंदर 10 साल के अंदर हरियाणा सब कुछ हो गया इस बात के लिए। चलिए।